अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग देसी साहिल। आज फिर हम एक ट्रिप पे निकले हैं, एक बिज़नेस ट्रिप है हमारी। एक बेसिकली मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, अपने डैड का बिज़नेस संभालता हूँ और बिज़नेस के वजह से मेरे को कल वापस आना पड़ गया अर्जेंट बेसिस पे बिहार से। कल ही मैं बिहार से वापस आया हूँ और आज मैं यहाँ से हिमाचल जा रहा हूँ, एक बिज़नेस मीटिंग है हमारी। तो वो उस चक्कर में अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम निकल रहे हैं। अभी तेल वेल फिलअप कर डलवाया है, फ्यूल टैंक फुल कराया है। आधा टैंक था तब भी मैंने तेल पूरा डलवाया, जस्ट बिकॉज कि कोई फ़ायदा नहीं है रिस्क विस्क लेने का। तो तेल वेल डलवाया है अभी और हवा चेक करवाई है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं 24/7। वहाँ पर कुछ खाएँगे और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकलेंगे। टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास और देखते हैं कितनी देर तक पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तेल भी कुछ खाना भी है, फिर इसके बाद फिर आगे चल के देखते हैं कुछ और कितनी देर तक हम पहुंच पाएंगे वहां तक, क्योंकि सुबह मेरे को 10-11 बजे की मीटिंग है, 11 बजे से पहले पहले पहुंचना है। उससे पहले ही पहुंच जाएंगे, पर एक अगर नींद वींद आई तो कहीं लगा लेंगे, क्योंकि रेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया। और मैं आते ही फिर अब ये वाली ट्रिप भी जाना पड़ रहा है मजबूरी में, इसी चक्कर में मैं वापस आया था। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने ट्रिप। Close till I get up, time is barely on our side. पहला मील हमारा सुबह का निकलते हुए, भूख लग गई सुबह सुबह। अभी बज रहे हैं 3:14 और ये सारा सामान हमने लिया है 24/7 कीर्ति नगर, और इसके बाद जस्ट ये खा वा के हम लोग निकलेंगे अपने रास्ते पे। एक लिया हमने चिकन पैटी और एक लिया है हमने आलू पैटी भीम भाई के लिए। चलो फिर खा के फिर ज्वाइन करते हैं। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays and I... कुछ नहीं है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आगे है, तो छोटा-छोटा स्टार्टर आया है। बाप रे, छोटी गाड़ियों का क्या हाल है, फंस गए। बाप रे, अपनी लगी भी नीचे, इतनी ऊंची होने के बाद भी नीचे लग गई। बेसिकली आज हम लोग XUV500 से, वो जो था क्रेटा वो मेरे मामा का था जो बिहार से आई थी, उसको ही छोड़ने के लिए मेरे को जाना पड़ा था। वहाँ से बिहार से मेरे छोटे वाले मामा जो डॉक्टर हैं वो लेके आए थे, और यहाँ से मेरे को बोला गया था कि लेके जाने के लिए। पूरा का पूरा रोड टूटा हुआ है, अरे बाप रे, लग रहा सारी बारिश यहीं हुई है। गाड़ी गंदी हो जाएगी, अच्छी खासी साफ सुथरी गाड़ी थी 5 दिन से गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में, आज निकली बेचारी, ये भी सोच ही रही कहाँ फंसा दिया आज।
आसपास कितना सही व्यू है, हर दोनों साइड पेड़ है, पर रोड कितना खराब है, टूटा हुआ। अभी तो ये तो स्टार्टर था, अभी तो मेन कोर्स आगे है। चाइना के बॉर्डर से निकल, कितना आगे वाली गाड़ी का पता चल रहा है, कितने खड्डे वो भी झेल रही है। थोड़ा सा टाच रोड का ये थोड़ा सही है, इसके बाद फिर वही रोड स्टार्ट हो जाना। यहाँ से मेन कोर्स स्टार्ट हो गया। बाप रे कितना गड्ढा है यार, पानी देख रहे है। चल ट्रक, आधा ट्रक डूब गया। यहाँ निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शिफ्ट वाला कैसे निकालेगा ये? गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है। मारी भारी यहीं पे है। ये दिल्ली के कंडीशन है। अच्छा वैसे तो ये हरियाणा के अंदर रोड आता है, दिल्ली तो हम पार कर चुके हैं। बहुत बुरे हाल है, कंडीशन है रोड के यहाँ पे। यहाँ पे ट्रक चलता है, इस वजह से ये रोड टूट जाता है। अच्छी खासी गाड़ी, साफ सुथरी गाड़ी, गंदी हो गई। गाड़ी नीचे लग रही है, मतलब वो गाड़ी बहुत लगी हुई नीचे। कुछ ऐसी कंडीशन हो गई गाड़ी की उस खड्डे के वजह से, हर जगह कीचड़ कीचड़ कीचड़। दोनों साइड पे ऐसा ही हो रखा है, मतलब आधी लाइट तक गाड़ी डूब गई थी। ओ तेरी, ये मड फ्लैप टूट गया, ये मड फ्लैप टूट गया। ये भी गया, बहुत बुरी कंडीशन हो गई। अच्छी खासी साफ गाड़ी लेके आया था मैं, घर से निकला था साफ गाड़ी लेके, अब यहाँ पे इसको साफ करवाना पड़ेगा अगर कोई साफ करने वाला हुआ तो। सफाई चल रहा है अभी तो यहाँ पे।
ये है हमारा भीम भाई जो हमारे साथ जा रहा है आज। खाली पड़ा है बिल्कुल आज तो रेस्टोरेंट। अच्छा अंदर भीड़ है। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, चाय और मिक्स पराठा। भीम भाई रेड शर्ट में चमकते हुए, और एक मैंने परफ्यूम लिया अजमल का, मेरा फेवरेट यहाँ मिलता है। और हम अब सो फार सो गुड। अभी हमने ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्ट। अब हम पंजाब के बॉर्डर के बॉर्डर पार करके फिर रुकेंगे हम एक स्टॉप के लिए, वॉशरूम वॉशरूम के लिए, जो हमारा परमानेंट स्टॉप है। एक्चुअली फिक्स है हमारे स्टॉप जो भी है, और इसके बाद हम लोग वहीं रुकेंगे। गाड़ी की कंडीशंस तो आपने देख ही ली होगी कितनी बुरी हो रखी है। और ये कुछ खाने वाने का सामान ले लिया था हमने कि अगर रात के टाइम पे या रास्ते में कहीं भूख लगे तो खा लें। अब निकलते हैं। इस आंदोलन के चक्कर में एक चीज़ तो बहुत बढ़िया हुआ कि टोल नहीं देने पड़ रहे, नहीं तो यहाँ से लेके हिमाचल तक में इतने टोल हैं कि कोई हद नहीं। बस एक टोल लगेगा हमारा, उसके बाद कोई टोल नहीं है। चलिए अब आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं। पंजाब फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है पंजाब का टोल। यहाँ से एक टाइम था जब एक मुझे बहुत करीबी का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उनका यहाँ पर एक बार एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट इट मीन्स कि किसी ट्रक वाले ने उनको मार दिया था, मतलब हल्के से हिट हो गई थी गाड़ी उनकी। तो ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि यह है मतलब मेरी गाड़ी क्रैश कर गई है, और देन आई एम वरीड अबाउट दैट। तब से मेरे यहाँ पर और भी मेरी मतलब दो चार और यादें हैं। फाइनली हम पहुँच गए अपने स्टॉप पे, जो पंजाब बॉर्डर पार करने के से 2 या 3 किलोमीटर आगे है। यहाँ पे बेसिकली सब कुछ है खाने के लिए, और ये वैसे 8 बजे से खुलता है 11 बजे तक, और अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 8:30। हम 8:30 के 8:20 के आसपास यहाँ पहुँचे थे। 10 मिनट यहाँ फ्रेश व्रेश हुए, मुँह हाथ धोए, और हमें 11 बजे तक पहुँचना है, तो हम आराम आराम से चल रहे हैं। और अब जब भी कभी मनाली या शिमला या ऊपर लद्दाख वद्दाख साइड में जाएं, तो अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ बहुत अच्छी जगह है रुकने के लिए, खाने के लिए, चिल मारने के लिए। हम तो बेसिकली यहाँ पे सुबह के टाइम पे पहुँचते हैं। यहाँ पे सब चीज़ है, हल्दीराम, सबवे, केविंडर्स, पब भी है यहाँ पे, अड्डा किचन, सब चीज़ है यहाँ पे। आप यहाँ पे रुक सकते हैं, और अभी हमारा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अराउंड 4-6 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है, और अभी तो 8:30 ही हुए हैं, तो हम आराम आराम से ही निकलेंगे। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, तब तक बने रहिए और देखते रहिए चैनल हमारा, हमारी वीडियोस। सो फाइनली हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां हमें अपनी मीटिंग करने जाना था। और आसपास का व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त हो रखा है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यहां का। और अभी तो यहां पे बहुत ज़्यादा पुलिस वाले हैं, आगे हिमाचल में जल्दी से आगे जाने नहीं दे रहे, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुआ है, इस वजह से बारिश भी आगे बहुत है शिमला में। मेक श्योर आप प्लान करके जाएं, क्योंकि पुलिस वाले ज़्यादातर जाने नहीं दे रहे आगे। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन भी दबाएं। और ज़्यादातर लोग मेरी वीडियोस देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल सब्सक्राइब करें कि आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो टिल देन ध्यान रखें अपना और अपने सबका। टिल देन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।